नमस्कार मित्रों, क्लियर कॉन्सेप्ट्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर में हम पहले ही जान चुके हैं कि बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम जो है उनके क्या खासियत हैं, क्या गुण हैं, उनसे कौन कौन से बीमारियाँ होती हैं और उनका क्या मानव जीवन में उपयोग है। प्रोटिस्टा किंगडम में हम जानेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग हैं, क्लासेस हैं और इनसे मानव जीवन में कोई किस किस प्रकार की बीमारियां होती है। ये जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है इसको हम लोग कहते हैं कि इसका जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कई तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ हैं जो पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ हैं जो जीवों की तरह न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, कुछ हैं जो सेप्रोफाइट्स यानी फंगस की तरह है। यानी इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको फंगस, प्लांट और एनिमल तीनों के करेक्टर्स इन में मिलता है। ये जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। ये पूरा का पूरा जो किंगडम है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब के सब एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक हैं। यानी इसके पहले वाला जो था प्रोटिस्टा मोनेरा किंगडम वो प्रोकैरियोटिक था। इसमें ये उसके बाद जो सेल डेवलप्ड हुए यूकैरियोटिक, जिसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया है, वो यूकैरियोटिक है। सबके सब सदस्य जो है मेनली इसमें जो है वो एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाले हैं, जलीय सदस्य हैं, या तो फ्रेश वाटर हो सकते हैं या फिर मरीन हो सकते हैं, लेकिन ये सबके सब जलीय जीव ही हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इसका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो सुसंगठित होता है और अन्य भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपको प्लास्टिड, ये सब मिलता है। कुछ जो कोशिका प्रोटिस्टा होती हैं उनमें चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स मिलते हैं, फ्लैजिला मिलता है, कुछ में सीलिया मिलता है। तो ये कसाव या पक्षभाव ये जो है इनमें मिलते हैं। इनका जो प्रजनन होता है वो मोस्टली अलैंगिक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है दो सेल में, उसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। और उसके अलावे कुछ में न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस कंजुगेट करता है, संलयन होता है और फिर उसके बाद जायगोट्स बनाने का भी स्टार्टिंग यहाँ से इस प्रोटिस्टा किंगडम से होता है। तो वो कुछ में लैंगिक प्रजनन है बहुत कम में, और ज्यादातर जो प्रजनन का प्रक्रिया है वो अलैंगिक ही होता है। जो चलने के लिए ऑर्गन इस किंगडम में प्रयोग करते हैं लोग ऑर्गेनिज्म, तो एक है आपका सीलिया पक्षमाप जिसको कहते हैं आप, वो सीलिया, दूसरा है फ्लैजिला और तीसरा है सूडोपोडिया। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो ये सूडोपोडिया जो होता है उसको हम लोग फॉल्स फिट कहते हैं। इसमें शरीर जो होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वही एक तरफ बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट उसमें स्टार्ट होता है। फ्लैजिला जो है स्ट्रिंग लाइक धागा की तरह होता है, कसाव जिसको कहते हैं। और जो सीलिया होता है ये आपको एक शरीर पर कई सारे होते हैं, छोटे 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 छोटे, और इनके मदद से ये अपने शरीर को चिपका सकते हैं किसी भी सरफेस से और प्लस मूवमेंट भी करते हैं। प्रोटिस्टा का टाइप्स अगर हम कहें तो इसके कई प्रकार हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, अवपंख कवक और प्रोटोजोआ। ये सारे समुद्री जीव होते हैं। ये फंगस की तरह होता है, अवपंख कवक इसको कहते हैं हम लोग, स्लाइम मॉल्ड्स, तो ये फंगस की तरह होता है। और प्रोटोजोआ ये सबसे बड़ा क्लास है जिसके चार ग्रुप बांटे गए हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ये इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे फ्लैजिला और सीलिया सूडोपोडिया उसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में सबके बारे में। जो क्राइसोफाइट्स हैं इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आता है उसका नाम है डाइएटम्स, डायटम ग्रुप्स, और सुनहले रंग का चमकीला सेवाल, ये जो आप देख रहे हैं यही है इसका सुनहला सेवाल, डेजमिट्स, ये आते हैं। और ये आपका एग्जांपल है एक डायटम्स का।
डायटम्स और डेजमिट्स इसमें आते हैं, ये जो है आपको समुद्री जीव है, लवणीय जीव है, साल्ट वाटर में मिलते हैं। डेजमिट्स वगैरह जो है आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। डायटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर आप देखेंगे तो जैसे कि एक साबुनदानी का आप देखे होंगे कि साबुन रखने वाला एक केस नीचे होता है, एक केस ऊपर होता है, दोनों केस एक दूसरे से, बस बिल्कुल उसी तरीके से ये साबुनदानी की केस की तरह ये जो आपका स्ट्रक्चर है उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से आपको होता है साबुनदानी की तरह, दो अतिरिक्त कवच बनाते हैं। ये जो कवच होता है इसका, ये सिलिका का बना होता है। सिलिका काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, स्ट्रांग है, तो ये मरने के बाद भी नष्ट नहीं होता इनका कवच। और होता क्या कि ये जब इनकी संख्या समुद्र में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, चीफ प्रोड्यूसर इनको कहा जाता है ओशियंस में, तो ये जो मरने के बाद क्या होता है, इनका अवशेष समुद्र के नीचे जमा होने लगता है और करोड़ों वर्ष पर जमा होते होते वो एक पहाड़ की तरह, मिट्टी का जो ढेर की तरह हो जाता है, उसको डायटोमिक सॉइल कहते हैं, डायटोमियस अर्थ भी कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, ये काफ़ी, चूँकि सिलिका होता है, इसको ग्राइंडिंग करके, पीस करके, और इसका हम लोग पॉलिश करने में उपयोग करते हैं, तेल या सिरप में, पेस्ट में, कीटों को मारने के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग किया जाता है। ये जो है आपको समुद्र में मुख्य उत्पादक है, चीफ प्रोड्यूसर, मतलब समुद्र, चूँकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो समुद्र में, ये आप पढ़ेंगे जब इकोलॉजी तो आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट्स होते हैं या जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी समुद्र में स्टोर करते हैं। ये एक जैसे एग्जांपल है डायटोमियस अर्थ से, इन्होंने इंसेक्टिसाइड्स बनाया है जिसका क्या यूज़ है, या और भी अदर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है ये डायटोमियस अर्थ के बारे में, जो इनसे हमें मिलता है। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजलेट्स। ये डायनोफ्लैजलेट भी जो है समुद्री ही जीव है और ये भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें बहुत तरीके का वर्णक होता है, यानी पिगमेंट्स होता है, जैसे कि जो कोई चीज़ पिगमेंट्स हम कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार का आपको कलर दिखाए, जैसे रेड पिगमेंट हो या फिर येल्लो पिगमेंट्स हो या फिर ग्रीन पिगमेंट्स हो, तो वो उस प्रकार का चमक दिखेगा उसमें। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, आपका हल्का येलोइस चमक इसमें आपको दिखेगी। तो लाल, भूरा, हला, पीला, इस तरह का इनमें पिगमेंट्स होता है। इनका भी जो भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है, सिलिका का नहीं होता है, लेकिन वो भी काफ़ी हार्ड होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें भी दो, जैसे दो ढक्कन की तरह होता है, दो पार्ट में बटा होता है, या कहीं कहीं तीन पार्ट में बटा होता है। और इस सबके साथ जुड़ा होता है ये देखिए फ्लैजिला। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला इसके साथ होते हैं, इसमें दो कसाफ या फ्लैजिला होता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायनोफ्लैजलेट्स का, दो फ्लैजिला होना। इसमें एक जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, और एक होता है वर्टिकल यानी इस तरीके से। इसमें लाल डायनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं, ये जो हमने पढ़ा था कि पिगमेंट्स होता है डिफरेंट टाइप्स के, तो जो लाल डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं वो कभी कभी काफ़ी मात्रा में अचानक से उनकी संख्या बढ़ जाती है और उससे समुद्र का पानी ऐसे दिखेगा जैसे उसमें ब्लड मिल गया है, लाल रंग का हो जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में यह जीव जो जब समुद्र में इनका एक्सप्लोजन होता है तो उसके चलते कई सारी मछलियां या समुद्री जीव मर जाते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है गोनिया लेग्स, उसको हम लोग रेड टाइड कहते हैं समुद्र में। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये समुद्री जल है और उसमें काफ़ी मात्रा में लाल आपका डायनोफ्लैजलेट्स, जो रेड डायनोफ्लैजलेट्स जिसको गोनेलेग्स कहते हैं, वो आपको उसका संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ने के बाद इस प्रकार का पानी जो है लाल रंग का हो जाता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड टाइड किसके चलते आता है। नेक्स्ट जो है आपका यूग्लिनोइड्स है, यूग्लिना इसके अंतर्गत आता है। ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट किंगडम है। इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह मिलते हैं। तो इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक माने कि ये एक तरह से जोड़ता है प्लांट और एनिमल्स को, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी कहते हैं। अधिकांशतः ये आपको स्वच्छ जल में पाया जाता है, स्थिर जल में। इसका जो कोशिका भित्ति होता है उसकी जगह इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकल्स। तो ये एक डिफरेंस हर किसी में आप देख रहे हैं, जैसे कि डायटम्स में सिलिका हुआ करता था, डायनोफ्लैजलेट्स में हार्ड सेलुलोज होता है, इसमें इसके चारों तरफ जो होता है वो आपको पेलिकल्स होता है।
जो इसको लचीला संरचना को इसको बनाता है। इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, लेकिन एक बड़ा फ्लैजिला होगा, एक छोटा फ्लैजिला होगा। यह सूर्य के उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन जब सूर्य नहीं रहे तो यह परपोषी हो जाता है, दूसरे जीवों पर अपने न्यूट्रिशन के लिए निर्भर होता है। ये इसका करेक्टर जो है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट प्लस एनिमल दोनों है, जैसे फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और हेटरोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन कर रहा है, परपोषी और स्वपोषी दोनों न्यूट्रिशन इसमें होता है, पोषण होता है। यूग्लेनाइट में पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वर्णक होते हैं, वो वैसे ही होते हैं जैसे हमारे पौधों में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लेना। नेक्स्ट है स्लाइम मॉल्ड्स। अब पंख कवक ये जो होते हैं, ये मृतपोषी प्रतिष्ठा। मृतपोषी मतलब हमने बताया था कि बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो पुराने मरे हुए जीव या फिर सड़ी हुई लकड़ियाँ इन सब पर अपना एक्ट करके और वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं, तो ये मृतपोषी होते हैं, सड़ती हुई टहनियाँ पत्ता इन सब पर ये अपना। तो आप देख रहे हैं जैसे ये पौधा है, ये सड़ा हुआ इसका जो छाल है उस पर ये पनप रहा है, चाहे यहाँ पर भी आप ये इस प्रकार का इसको देख सकते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में एक समूह के रूप में एक्सप्रेट करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम टर्म एक मॉस्किटो में भी आता है, वो अलग है, यहाँ पे ये ग्रुप जो बनाते हैं उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। दोनों का नाम हालांकि सेम है, कई फीट तक लंबा होता है ये। फिर जब ये काफ़ी एक्सपेंड कर जाते हैं तो फिर अपने टीप पे फल जैसा बनाते हैं और वहाँ से एक्सप्लोजन होगा, छोटा छोटा बिंदु बिंदु जैसा स्पोर निकलेगा, फिर वो दूसरे जगह फैलेगा। तो ये बीजाणु के साथ फिर ये एक्सपेंड करते हैं अपने शाखा को, ब्रांच को। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये आपको परपोषी होते हैं, यानी कंप्लीट रूप से दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो आपने उधर पढ़ा था तीन था, तो आपका वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा था, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लेनोइड्स, और आपका सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा में आता है स्लाइम मोल्ड्स, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में, परपोषी न्यूट्रिशंस में कौन आ जाता है? प्रोटोजोआ। तो इस हिसाब से भी इसको क्लासिफाई करते हैं, जो परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। ये काफ़ी हमारे पुराने ओल्ड्स, हम लोग के एनिमल सेल्स के सबसे ओल्ड सेल माने जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। इनका चार भाग है, एक है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबा का स्ट्रक्चर बहुत कॉमनली आपने प्लांटों में, सॉरी किताबों में देखा होगा, इस तरह का सेल होता है, न्यूक्लियस होता है और इस तरह का उसका मुँह हाथ नाक निकला हुआ रहता है। तो बेसिकली ये उसका हमने बताया था कि जो लोकोमोशन का टाइप है, तो ये लोकोमोशन के टाइप के आधार पर है। तो अमीबा का में ये सुडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है, इसीलिए ये अमीबीय प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ है। और ये फ्लैजिला के थ्रू होता है, फ्लैजिलर होते हैं, और ये सिलिया के थ्रू होता है, सिलियरी प्रोटोजोआ होते हैं। तो जनरली ये स्वच्छ जल में भी मिल सकते हैं, समुद्री जल में भी मिलते हैं, और कूटपाद ये सुडोपोडिया के थ्रू ही अपना शिकार को पकड़ते हैं, जैसे एंटामीबा। ये आपका यहाँ पे हमारे शरीर में क्या होता है, परजीवी की तरह काम करता है एंटामीबा, हिस्टोलाइट का। उसके बाद दूसरा होता है कसावी प्रोटोजोआ, जिसमें कि फ्लैजिला होता है, इस तरह का सेल होगा उसमें फ्लैजिला होगा। तो ये कसावी प्रोटोजोआ जो होता है या तो फ्री रहते हैं या पैरासाइट की तरह रहते हैं। इससे जो एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है वो स्लीपिंग सिकनेस होती है, ट्रिपेंसोमा इसका एग्जाम्पल में है। उसके अलावा पक्षमावी प्रोटोजोआ होता है, इनमें शरीर पे हजारों छोटे 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 इस तरह के पक्षमाव होते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है आपको पैरामीसियम, और उसके बाद आपको है स्पोरोजोआ, जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, बिना लोकोमोटरी ऑर्गन के होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका आता है प्लाज्मोडियम, ये जनरली परजीवी होते हैं, और ये प्लाज्मोडियम जो होता है यही कॉजेटिव एजेंट है हमारे लिए मलेरिया का। ये आप देख सकते हैं, ये आपको जो है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये छोटे 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 पक्षमाव हैं, सीलिया हैं ये काफ़ी मात्रा में। उसके बाद ये है आपका अमीबा का स्ट्रक्चर, जहाँ आप देख सकते हैं ये जो है आपको सुडोपोडिया निकला हुआ है, ये कसावी हैं जिनमें फ्लैजिला निकला हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रिपेंसोमा का। अब जैसे ये इंटामीबा हिस्टोलाइटिका का स्ट्रक्चर है, से अमीबी है, ये ट्रिपेंसोमा का स्ट्रक्चर है जिसमें ये फ्लैजिला निकला हुआ है, ये भी लेस्मानिया डोनोवानिया भी फ्लैजिला वाले होते हैं।
इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोजोअन्स का ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट बीमारी है एक है अमीबियोसिस, अमीबा से होता है, हम लोग इसको डिसेंट्री वगैरह भी कहते हैं या अमीबिया पेचिस कहते हैं। इंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका जो कॉजिटिव एजेंट है वो इंटमीबा हिस्टोलाइटिका है। उसके बाद एक है जीआरडीएसिस, जीआरडिया लैम्बिया से होता है, जीआरडीएसिस ये भी पेट से रिलेटेड ही बीमारी है। ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ये सेक्सुअल पार्ट से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी है ट्राइकोमोनेसिस। उसके बाद आपका है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इस बीमारी में आदमी को हमेशा सोते रहने का मन करता है, ट्रिपेंसोमा ब्रूसाई से। लिस्मेनियसिस होता है या कालाजार हम लोग कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है कालाजार, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये कालाजार जो है लिस्मेनिया डोनोवानिया, लिस्मान डोनोवान दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था, उनके नाम से है लिस्मेनियसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। मलेरिया, मलेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसके बारे में भी आपने सुना। इसका जो कॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के चार स्पेसीज इसमें आते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, इस तरह से है। बेबेसियोसिस, बेबेसिया से होता है ये आपको, और न्यूमोसाइटोसिस, न्यूमोसाइसिस्टिस से होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है अमीबियोसिस, इंपॉर्टेंट है आपका ट्राइकोमोनासिस, जीआरडीएसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, लिस्मोनियोसिस, मलेरिया एंड बेबोसियोसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके अगले किंगडम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।